हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत कैलाश पर्वत से। नंदी, मैं नहाने अपने महल में जा रही हूँ। जब तक मैं आज्ञा न दूँ, किसी को भी महल के अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते। जय हो भोलेनाथ। रास्ते से हटो, अंदर जाने दो। क्षमा करें प्रभु, माँ पार्वती ने कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दें। अरे मूर्ख, ये आदेश औरों के लिए है, मैं तो उनका पति परमेश्वर हूँ। परे हट। प्रिय, आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिय, वो मेरा दास है, उस बेचारे की क्या मजाल जो मुझे रोके। पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था, उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या फायदा? आपका कहना सही है प्रभु, पर नंदी का इस तरह मेरी बात ना मानना धर्म संगत नहीं है। क्रोध मत करो प्रिय, उसे क्षमा कर दो, वो थोड़ा कम बुद्धि का है। नहीं, ये नंदी ने ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता, स्वामी भक्त है, उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी। पुत्र गणेश जी। माँ देखो पुत्र, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा, आप निश्चिंत होकर स्नान करें। कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, आप चिंता ना करें। क्षमा करें प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे, किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। ये असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते, रास्ता छोड़ो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक। क्या किया प्राणनाथ, क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे। किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आई? क्या एक नन्हे से बालक को हराना इतना जरूरी था कि सभी देवता यहाँ इकट्ठे हुए हैं? बोलिए, आप सब चुप क्यों हैं? शांत हो गया आपका क्रोध? इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए जीवित। आपको इसे प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यहीं प्राण त्याग दूंगी।
ये आप क्या कह रही हैं देवी? मैं न्याय मांग रही हूँ। मेरा पुत्र निर्दोष था, वो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। क्षमा करें देवी, ये असंभव है। तो मेरा जीवित रहना भी असंभव है। यदि इसी समय मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। आपने क्रोधवश अपने ही पुत्र का वध कर दिया भोलेनाथ। अब आपको देवी पार्वती का आग्रह स्वीकार कर बालक गणेश को जीवन दान देना ही होगा, अन्यथा उनकी क्रोध की अग्नि सारी सृष्टि को तहस नहस कर देगी। वास्तव में देवी पार्वती का आग्रह अनुचित नहीं है। क्रोध में आपने जो अनुचित कार्य किया है उसका यही प्रायश्चित हो सकता है भोलेनाथ। अहंकार त्याग कर देवी पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कीजिए भोलेनाथ। ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सर धड़ से अलग हो गया वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। सोचने में समय नष्ट मत कीजिए, तुरंत अपने गणों को आदेश दीजिए। जाओ किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। अरे मूर्खो, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला, हम उसका मस्तक ले आए हैं। गज का मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ, इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो। मैं इसे वरदान देता हूँ कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वीवासियों का कल्याण करेगा। मैं इसे वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हमारा पुत्र अति बलशाली और बुद्धिमान होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। Papa.
मोड़ी।